हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल। हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको आज एसएपी में जीएसटी कैसे मेंटेन करेंगे वो पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखिए। तो सबसे पहले हमें एसएपी में ये समझना होगा कि एसएपी का टैक्स प्रोसीजर कैसे होता है। तो एसएपी का जो टैक्स प्रोसीजर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मैंने आपको डेमो बना के दिखाया है। इसमें क्या होता है, टैक्स प्रोसीजर में कंडीशन टाइप होती हैं। कंडीशन टाइप किसके साथ लिंक होती है, हमारी अकाउंटिंग की को हम लिंक कर देते हैं जीएल के साथ। तो ये हमारा प्रोसीजर और इस पूरे को हम अपनी पर्टिकुलर कंट्री से असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग टैक्स कोड बनाते हैं। जो भी आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपने टैक्स कोड डिज़ाइन कर देते हैं और फिर हम उसे अपनी एंट्रीज़ में यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा टैक्स प्रोसीजर एसएपी का। तो हमें अब जीएसटी मेंटेन करना है, तो जीएसटी एसएपी में मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन टाइप बनानी पड़ेगी। कंडीशन टाइप बनाने की जो हमारी ट्रांजेक्शन कोड है वो है OBQ1। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप शॉर्टकट के थ्रू भी जा सकते हो, मैं आपको प्रॉपर जाके दिखाता हूँ। तो सबसे जाएंगे आप एस पी आर ओ में जाएंगे SME IMG, उसके बाद जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग एंड टैक्स ऑन सेल परचेज बेसिक सेटिंग। यहाँ पर है आपका चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर है डिफाइन कंडीशन टाइप, तो यहाँ पर कंडीशन टाइप बनानी है। यहाँ से आप न्यू एंट्रीज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ कैसे करना है। जैसे एक मैंने पहले बना रखी है उसी को हम कॉपी करते हैं। जैसे हमने बना रखा है हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। तो यहाँ पर नाम देंगे, क्या नाम दिया मैंने यहाँ पर, ZGIC इनपुट सेंट्रल GST। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ZGIC, इसके आगे हम लगा देंगे इनपुट सेंट्रल GST। ये आपको डिफॉल्ट रखने हैं, टैक्स परसेंटेज ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से हमें क्या कर देना है, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव, तो हमारा एक कंडीशन टाइप बन गई हमारी। अब दूसरी बनाते हैं, कौन सी बनाई थी हमने, अब बनाएंगे ऐसी, हम दूसरी तैयार करते हैं। इसको हम इसका नाम क्या देंगे, इसका है ZGIS इनपुट सेंट्रल स्टेट GST। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ देंगे ZGIS, तो ZGIS इसके आगे लगा देंगे हम इनपुट, इसको एंटर करेंगे एंड उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ये हमारी सेव हो गई। उसके बाद थर्ड बनाते हैं हम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ बनाएंगे जेट, इसके लिए हमने क्या नाम दिया है, ZGII। इनपुट
इस तरह से हम आउटपुट का बनाएंगे। तो आउटपुट के लिए यहाँ पर हमने डाल दिया OUT आउटपुट, को एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ऐसी आउटपुट सेंटर, ऐसी आउटपुट हमारा स्टेट हो जाएगा और आउटपुट हमारा इंटर स्टेट हो जाएगा। तो अब आप देखिए सारी कंडीशन टाइप हमने क्रिएट कर ली हैं। इसमें हमारी इनपुट की तीन ऊपर है, ZGIC, ZII, ZIS, ये इनपुट के लिए है और ये नीचे सारी हमारी आउटपुट के लिए है। तो सारी कंडीशन टाइप बनने के बाद अब हमारा दूसरा, अब हमें क्या बनाना है, ये कंडीशन टाइप हमारे सारे तैयार हैं, अब बनानी है हमारे को अकाउंटिंग की। इसकी ट्रांजेक्शन कोड होता है OBCN। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, OBCN मैंने यहाँ रख रखा है। अब यहाँ से डायरेक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पहली की क्या है हमारी, ZGZIC, ZIC इसको बनाते हैं। ZIC क्या है, इनपुट सेंट्रल GST, ये हमारी अकाउंटिंग की हो जाएगी। ZIC इनपुट सेंट्रल GST, इसका टेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा हमारा, टेक्स्ट टाइप यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इनपुट है आउटपुट है, तो इनपुट है तो इनपुट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नॉट डिडक्टेबल इसको छोड़ देंगे। अब है पोस्टिंग इंडिकेटर, ये सेपरेट लाइन आइटम में शो करनी है हमें, ये देखिए इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से हम दूसरी क्रिएट करेंगे न्यू। अब दूसरी क्या है हमारी, ZIS, ZII, तो ZIS बनाते हैं। ZIS इनपुट यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेट, स्टेट GST, यहाँ पर वो सेम इनपुट इनपुट आ जाएगा हमारा। और यहाँ क्या आ जाएगी, सेपरेट लाइन आइटम, सेपरेट में चाहिए हमें, सेपरेट में शो करना है, उसको हम सेव कर देंगे। देखिए ये भी हो गया। थर्ड क्या है हमारा, ZII इनपुट इंटर इंटीग्रेटेड GST। तो अब इसको हम तैयार करते हैं, न्यू एंट्रीज, ZII इनपुट इंटर स्टेट GST, इसको भी हम सेम 2 पे लेंगे। और यहाँ पर क्या लेंगे हम, सेपरेट लाइन आइटम, और यहाँ पर 2 क्यों लिया हमारे को, बिकॉज हमारा इनपुट है। तो इस तरह से हम सेल के लिए बनाएंगे ये सारे, ZOC, ZOS, ZOI। तो आइए इसे ही बनाते हैं। यहाँ पर हमने ZOC प्रेस किया, आउटपुट सेंट्रल GST। अब यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे हम, आउटपुट है तो आउटपुट सेलेक्ट करेंगे और सेपरेट लाइन आइटम में शो करना है, देन इसे हम क्या कर देंगे, सेव। ऐसे हम एक और क्रिएट करेंगे हम न्यू। अब की बार क्या आ जाएगा हमारा, ZOS, ये क्या है हमारा आउटपुट, OUT आउटपुट, और यहाँ पर क्या है आउटपुट टैक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा सेपरेट लाइन आइटम, इसे भी हम सेव कर देंगे। और लास्ट है हमारा ZOI यहाँ पर हम ले लेंगे आउटपुट, इंटरेस्टेड यहाँ आ जाएगा 1 आउटपुट के लिए, और यहाँ आ जाएगी सप्लाई एंटर, देखिए और इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे रेडी हो गए, ये आप देख सकते हो। ZIC, ZII ये इनपुट के लिए 3 है और ये अकाउंटिंग की आउटपुट्स के लिए है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है हमारा प्रोसीजर, इसके बाद हमें बनाना है टैक्स प्रोसीजर। तो टैक्स प्रोसीजर बनाने के लिए कहाँ आएंगे हम,
यहाँ से जाएंगे SPRO में, SAP IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ग्लोबल सेटिंग, परचेज एंड सेल, बेसिक ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आएंगे चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, डिफाइन टैक्स प्रोसीजर। तो हमने डिफाइन टैक्स प्रोसीजर यहाँ पर डिफाइन करना है, तो यहाँ न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टैक्स IN कर दिया है मैंने, और यहाँ पर दे दिया टैक्स प्रोसीजर इंडिया। तो ये हो गया ये। उसके बाद इसको कंट्रोल डाटा पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रेस करेंगे न्यू एंट्री। अब यहाँ पर हमें स्टेप तैयार करने हैं, तो स्टेप में क्या क्या है। पहला है मेरा 10, ये हम लाइन आइटम सेट कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होगी। पहली है कंडीशन टाइप, तो कंडीशन टाइप पहली जो लेंगे वो लेंगे हम बेस, बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू के बाद उसके बाद सेकंड पे आएगा हमारा जो हमने कंडीशन टाइप क्रिएट करी थी। तो कौन कौन सी कंडीशन टाइप क्रिएट की थी हमने इनपुट के लिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने करी थी ZGIC, देखिए इनपुट सेंट्रल GST, उसके बाद करी थी ZGIS एंड ZGII, देखिए आ गई। अब ये जो है जेड सेंट्रल, ये किस पे कैलकुलेट होगी, बेसिक अमाउंट पे, ये भी बेसिक अमाउंट पे एंड ये भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट सेंट्रल GST की कैलकुलेशन बेसिक अमाउंट पे होगी, JS की भी बेसिक पे होगी और इसकी भी बेसिक पे होगी। इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे हम। इसकी क्या थी आउटपुट के लिए, क्या बनाई थी हमने कि आउटपुट के लिए हमारी कंडीशन टाइप थी ZGOC, देखिए सारी थी। सेंट्रल के लिए ये थी और S एंड ZGOI, ये हमारी आउटपुट के लिए हो गई। ये भी किस पे कैलकुलेट होगी, 10 पे, क्योंकि बेसिक अमाउंट हमारा 10 नंबर पे है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी अकाउंटिंग की सेट करेंगे। तो हमने जो अकाउंटिंग की बनाई है इनपुट सेंट्रल GST के लिए, वो कौन सी बनाई है, ZIC। तो ZIC जो हमने बनाई है अकाउंटिंग की, ZIC, ये देखिए इनपुट सेंट्रल के लिए है, ZIS स्टेट के लिए है, और ZII किसके लिए है, हमारी ZII इंटर स्टेट के लिए है। अब है ZOC आउटपुट के लिए सेट करनी है, तो यहाँ आ जाएगी ZOC, यहाँ आ जाएगी ZOS एंड ZOI, तो हमारी सेट हो गई। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव। ये हमारा टैक्स प्रोसीजर देखिए तैयार हो गया, अकाउंटिंग की भी लिंक हो गई हमारी सारी। अब हम बाहर आएंगे, अभी से असाइन कर देंगे हम कंट्री से, इंडिया के लिए प्रेस करेंगे IN। देखिए हमने जो टैक्स प्रोसीजर बनाया है टैक्स IN बनाया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव। ये हमारा टैक्स प्रोसीजर हमारा सेट हो गया। अब हम बनाएंगे टैक्स कोड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स, डिफाइन टैक्स प्रोसीजर हो गया, असाइन भी कर दिया हमने। अब हमें बनाने क्रिएट टैक्स कोड। तो टैक्स कोड का जो टेंशन को जो कोड होता है वो होता है FTXP। तो कोड बनाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, अब इसमें आते हैं डिस्प्ले MG, जाएंगे हम
पहले बेसिक सेटिंग में हमने टैक्स प्रोसीजर सेट किया, अब कैलकुलेशन में आएंगे। यहाँ पर करेंगे डिफाइन टैक्स कोड, इंडिया के लिए बनाना है तो IN, तो हम कोड का नाम दे रहे हैं, पहला कोड है हमारा X1, तो X1 डाला। अब हम कोड टैक्स कोड का क्या नाम देना चाहते हैं, तो हमारे जो कोड का नाम है सेंट्रल इनपुट हम नाम देना चाहते हैं इनपुट सेंट्रल एंड स्टेट GST 28%। टैक्स टाइप क्या है, ये इनपुट है या आउटपुट है, तो हमारा इनपुट है, वी आएगा यहाँ पर, इसको ओके कर देंगे। तो जब हम सेंट्रल स्टेट 28% है तो इसका मतलब हाफ ऑफ हो गया, तो 14% हमारा सेंट्रल का हो गया एंड 14% इनपुट हमारा किसका हो गया, स्टेट का। तो देखिए एंटर कर दे, हो गया, अब इसे सेव कर देंगे तो ये सेव हो रहा है, सेव हो गया। अब हम दूसरा टैक्स कोड बनाते हैं हमारा X2, हम दूसरा कोड बना रहे हैं X2। अब किसके लिए बना रहे हैं हम, इनपुट इंटीग्रेटेड GST के लिए, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे इनपुट इंटरेस्टेड GST, ये भी हमारा इनपुट है, तो हम यहाँ वी ले लेंगे एंड ओके करेंगे। ये है इंटरेस्टेड GST, तो इंटरेस्टेड पूरा 28% आ जाएगा इनपुट 28% बेस का, इसको भी सेव कर देंगे, सेव हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे आउटपुट के लिए, तो आउटपुट के लिए बनाने के लिए हम X3 X1 और X2 इनपुट के लिए हो गए, अभी आउटपुट के लिए बना रहे हैं हम, तो आउटपुट के लिए यहाँ पर OUT आउटपुट दे दिया हमने, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट टाइप, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम आउटपुट एंड इसको ओके करेंगे। और आउटपुट का क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर 14% एंड स्टेट 14% एंड इसको सेव कर देंगे हम, सेव कर दिया। अब ऐसे ही हम बनाएंगे X4, अब एक टेक्स्ट कोड और बनाना है हमें, हमने बनाया X4 फॉर आउटपुट इंटरेस्टेड आउटपुट इंटरेस्टेड, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ टेक्स्ट टाइप हमारा आउटपुट एंड ओके करेंगे इसको, तो आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 28%, इसको सेव कर देंगे हम। अब ये हमारे टेक्स्ट भी डिफाइन हो गए हैं, तो हमारा नेक्स्ट है हमारा GL क्रिएशन। तो GL का जो टेंशन कोड होता है वो होता है FH00, तो ये सारे GL हमें बनाने पड़ेंगे। तो GL बनाने के लिए हम बाहर आते हैं डिस्प्ले IMG में, बाहर आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे FH00, देखिए हमने पहले GL बना रखे हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहला GL है हमारा इनपुट सेंट्रल GST, आप देखिए किसके अंडर है, इनपुट सेंट्रल GST, ये हमारा लाइन आइटम ये हो गया, और ये सिंपल सारे बना लिए हमने, ऐसी इनपुट स्टेट का हो गया, इनपुट इंटर स्टेट एंड आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट एंड आउटपुट इंटर स्टेट, हमारा कंपनी कोड क्या है, BSE, तो इस तरह से आप सारे बना लोगे। और इसके बाद एक बनाओगे परचेस का, परचेस सेल, परचेस का जब बनाओगे तो परचेज अकाउंट में आ गया हमारा, और यहाँ पर जो टैक्स कैटेगरी लोगे वो आप यहाँ चूज़ करोगे ऑल टैक्स टाइप, ठीक है, मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑल टैक्स टाइप सेलेक्ट कर लोगे, ऐसी सेल में सेलेक्ट करोगे, ऐसी सेल का बनाया है, सेल में भी इस टाइप से ही होगा, तो
इस तरह से सारे जीएल हमारे प्रिपेयर हो गए हैं। जीएल बनाने के बाद अब हम इसको असाइन करेंगे अकाउंटिंग की के साथ, तो इसकी शॉर्टकट की OB14। तो आइए असाइन करते हैं। तो हमें जीएल असाइन करना है। जीएल असाइन करने के लिए हमें कहाँ जाना है, OB40 है जीएल असाइन करने का। तो जीएल असाइन करने के लिए हम जाते हैं SPRO में, SPRO IMG एंड IMG पे आके हम आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू ग्लोबल सेटिंग एंड परचेज टैक्स लेजर पोस्टिंग। यहाँ पर डिफाइंड टैक्स अकाउंट करेंगे। तो हमने जो की बनाई थी वो यहाँ पर है सारी की, उसके अकॉर्डिंग जो हमने लेजर्स इनके बनाए हैं वो इनको डिफाइन दे देंगे हम। यहाँ पर है सेंट्रल GST, पहला है इनपुट सेंट्रल, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे GIS पे। कंपनी कोड हमारा है चार्ट ऑफ अकाउंट BSES, तो इसको हम इसका GL दे देंगे। इनपुट सेंट्रल टैक्स, तो इनपुट सेंट्रल टैक्स कहाँ है हमारा, इनपुट सेंट्रल GST ये वाला अकाउंट है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो पोस्टिंग की डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पर पहले हम इनकी पोस्टिंग की डिफाइन कर देते हैं। पोस्टिंग की डेबिट की होती है 40 और क्रेडिट की होती है हमारी 50। अब अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स में इसका GL असाइन कर देंगे इनपुट सेंट्रल GST का। इसका जो है वो ये वाला है एंड सेव। इस तरह से सारे GL हमें असाइन करने पड़ेंगे। इनपुट सेंट्रल का हो गया, अब इनपुट इंटरेस्ट रेट का है। इसका जो है वो है GL, इसका GL है इनपुट इंटरेस्ट रेट का है ये वाला। इसकी पहले हम पोस्टिंग की डिफाइन करते हैं 40, ऐसी सेम 50। अब अकाउंट में जाएंगे, अब इसका अकाउंट असाइन कर देंगे इनपुट इंटरेस्ट रेट GST एंड इसको सेव कर देंगे। और अब हमारा है इस तरह से ही इनपुट स्टेट GST। इसकी पोस्टिंग की हम इसे डिफाइन कर देंगे 40 एंड 50। अकाउंट्स में आएंगे, इसका हम इसको GL सेट कर देंगे। अब इसका GL जो है वो ये है, इसका GL है इनपुट स्टेट GST। तो ये सारी की हमने डिफाइन कर दी है, सारे अकाउंट सेट कर दिए। इस तरह से आउटपुट क्या करेंगे, आउटपुट GST इसकी पोस्टिंग के ऊपर डिफाइन कर देंगे 40 एंड 50। इसके बाद अकाउंट में जाएंगे, और इसका सेट कर देंगे आउटपुट सेंट्रल GST। इसको हम सेव कर देंगे। इस तरह से हम आउटपुट स्टेट और आउटपुट इंटरेस्टेड। अब हमने सब कुछ कर लिया, लास्ट में आते हैं हम एंट्री पास करने के लिए। एंट्री किस पे होगी, FB60 पे। तो FB60 पे आते हैं। FB60 किसका होता है, वेंडर इनवॉइस। FB60 वेंडर इनवॉइस पे आए हम।
वेंडर इनवॉइस आ गया, कंपनी कोड है हमारे BSES, हम वेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। BSES के कितने वेंडर हैं, ये वेंडर है हमारा IBM, इस वेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी डेट का बिल है हमारा, सपोज इसका ही है, हमने डाले 24 जुलाई 2013। आ गया कंपनी का नाम, अमाउंट कितने का बिल है हमारा, सपोज 1 लाख रुपीस का बिल है, हम परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर परचेस का GL आ जाएगा। परचेज अकाउंट यहाँ पर हमारा टैक्स कोड आ जाएगा, टैक्स कोड क्या है हमारा, X1 ले लेते हैं हम। अब इसे सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट करके देखते हैं, मैं आपको फिर से एक बार इनवॉइस जनरेट करके बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे, लेनोवो हमने ले लिया वेंडर, पार्टी डेट आ गई हमारे 14 जुलाई 13, अमाउंट हमने ले लिया 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स आपको क्लिक करना है, और आप पर्टिकुलर जो भी आपका टैक्स कोड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर आप GL जो लोगे वो परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ आएगा, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट ले लेंगे हम, यहाँ पर हम स्टार लेके और X1 ऑटोमेटिक ले लिया, देखिए हो गया। हम सिमुलेट करते हैं इसको, देखिए लेनोवो ऑटोमेटिकली इनने टैक्स हमारा कैलकुलेट करके दे दिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, देखिए 1 लाख, ये किस पे लगा रहा है, ये 1 लाख किस टाइप से ले रहा है, इंक्लूडिव टैक्स, तो इनने पर्टिकुलर टैक्स को डिवाइड कर दिया 14% एंड 14%। इसको हम सेव कर देते हैं। अब मैं आपको एक बिल और करके दिखाता हूँ एक्सक्लूसिव के थ्रू, एक्सक्लूसिव कैसे करेंगे हम उसे, ये सेव हो जाएगा, एक्सक्लूसिव के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर एडिट ऑप्शन में यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट, इसको आप सेव कर दोगे और बाहर आओगे। अब एक बिल और हम जनरेट करते हैं लेनोवो का, 14 जुलाई 13, एंटर कर दोगे, टैक्स कैलकुलेट होगा कितने का, 1 लाख का ही, परचेस परचेस कर रहे हैं तो सेल करोगे तो आप सेल का आपको FB 70 पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर टैक्स ले लेंगे, सपोज़ आपकी बार हम IGST पे कर रहे हैं, हम सिमुलेट करके देखते हैं, अब जो यहाँ पर 1,28,000 है, हमको इसको जो हमारा टैक्स निकला है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर यहाँ से सिमुलेट करेंगे, ये देखिए लग गया 28,000, पहले इंटरनल लगाया था, इंक्लूसिव लगाया था, एक्सक्लूसिव लगाया, तो इस तरह से हम इसको सेव कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा GST को कैसे आप मेंटेन करोगे SAP में, मुझे आशा आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।